सबसे पहली टर्म ह्यूमन एक्टिविटी, क्या बेटा? तो अगर मुझे कोई कहेगा सर ह्यूमन एक्टिविटी होता क्या है, तो मैं बताऊंगा द एक्टिविटी, जल्दी जल्दी बेटा, द एक्टिविटीज विच आर performed by human, which are performed by human, वो काम जो कौन करता है? इंसान. जो काम इंसान करेगा उसे क्या कहते हैं? Human activity. ठीक है, याद रखना बेटा. मैं पूछूंगा आपसे कभी कि human activity होता क्या है, क्या बताएंगे आप? The activity which are performed by, is it clear? वो काम जो कौन करता है? जो एक इंसान करता है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी. अब जो ये ह्यूमन एक्टिविटी है ना, ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ये दो तरह का है. क्या है? एक इंसान दो तरह का काम करता है. द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड द सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इज इट क्लियर? व्हाट इज द फर्स्ट वन? इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड व्हाट इज द सेकंड वन? मैंने कहा कि एक इंसान दो काम करता है. कितने कितने काम करता है? पहला क्या है, दूसरा क्या है? इज इट क्लियर? जो काम ये करे पैसा कमाने के लिए, जो काम ये करे पैसा कमाने के लिए, उसे आप कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या कहते हैं? और जो काम ये करे दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन, टू हैव सेल्फ सेटिस्फेक्शन, उसे कहते हैं. सर थोड़ा समझ नहीं आया, समझाता हूं. मैं पढ़ाता हूं किस लिए? पैसा कमाने के लिए. व्हाट इज इट? मैं नमाज पढ़ता हूं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ आ रहा है? बाहर शॉपकीपर है, बाहर ये क्या करता है? चीजें बेचता है. इज इट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक एक्टिविटी. इज इट क्लियर? और एक बूढ़ा है वहां पे, मैंने हेल्प की उसे रोड क्रॉस करते हुए, क्या कहते हैं इसे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इज इट क्लियर? तो कितनी एक्टिविटीज है? पहला, दूसरा, मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी और, तो ऑन द बेस ऑफ दैट आपको डेफिनेशन भी आएगी. इज इट क्लियर? तो मैंने कहा कि इंसान दो काम करता है. कितने काम करता है? पहला क्या है, दूसरा क्या है? इज इट क्लियर? फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज, ओके, नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड तो डिफरेंस. तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, क्या देखेंगे? डेफिनेशन. किस पे देखेंगे? डेफिनेशन. तो अगर हम डेफिनेशन पे देखें, द ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान करता है ना, द विच इज अंडरटेकन टू अर्न मनी. क्या बेटा? इज इट क्लियर? इंसान का वो काम जो वो करता है किस लिए? पैसा कमाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. नहीं समझ आया? सो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? द ह्यूमन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन, विच इज टू अर्न. समझ आया? द ह्यूमन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न, तो उसे क्या कहते हैं हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? द ह्यूमन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न, उसे क्या कहते हैं? The human activity which is undertaken to earn money is called economic activity. अब इंसान का वो काम जो वो करता है ताकि उसे self satisfaction मिले, उसे क्या कहते हैं? The human activity which is undertaken to have, क्या बेटा? Self satisfaction. Is it clear? नहीं समझ रहे? So what is economic activity first? The human activity which is undertaken to earn money. Is it clear? So please, मेरे साथ रिपीट कीजिए.
the human activity which is undertaken to earn is called economic activity. The human activity which is undertaken to have समझ आया? आप नमाज पढ़ते हो किस लिए? सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप देखो, एक माँ करती है ना केयर अपने बच्चे को, क्या वो पैसा लेती है? दैट इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन। दैट इज, जिस काम से आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले उसे क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय डियर? आर यू गेटिंग? हमारे पास दो बैचेस होते हैं, तीन क्या होते हैं, आपके पास चॉइस होगी, आप सुबह आएंगे कि शाम को आएंगे, लेकिन आफ्टर वन मंथ, आफ्टर, समझ आया? इट्स अप टू यू। ठीक बेटा, चले। सो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड, ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसे डिफरेंशिएट किया ऑन द बेस ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, द ह्यूमन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। द ह्यूमन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन, उसे क्या कहते हैं? Now the second one is example. अगर हम example देखें किसके, हम ऐसे लिखेंगे, a teacher teaches in school. नहीं समझ आया? What is it? Is it economic or non-economic? एक teacher school में पढ़ाता है ना, उसे क्या मिलता है? तो what is it? Tough लगा? Okay, a worker works in factory. एक worker काम करता है कहाँ पे? Factory में। कहाँ पे काम करता है? समझ आया? हमारे पास notes भी available है, ये PDF भी मैं आपको दूंगा। समझ आ रहा है? आप जस्ट समझिए, ठीक? Notes, study material नीचे है, ठीक? ये जो आप लिख रहे हो ना, आप important points लिखिए, ठीक है? ये PDF भी मैं आपको send करूंगा, जस्ट टेक्स्ट आप करना 9622 जो नंबर है सेंटर का, आपको आज की PDF सेंड की जाएगी और इसका वीडियो भी आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है, ऐप पे। समझ आया? सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? ए टीचर, इट इज द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, अ वर्कर वर्क्स इन, अच्छा मैं पढ़ाता हूँ ना यहाँ पे, इज इट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? अच्छा मैं अपनी बच्ची को पढ़ाता हूँ घर में, व्हाट इज दैट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आया? ए टीचर टीचिंग, यहां से मैं लिखूंगा एग्जाम्पल, क्या लिखूंगा? ए टीचर टीच हिज सन एट होम, कहां पे? तो ये कौन सी एग्जाम्पल है जरा मुझे बताइए। समझ आया? तो इस टीचर ने अपने बेटे को पढ़ाया कहां पे? पढ़ाया घर में, पढ़ाया ना। समझ आ रहा है कि टफ लग रहा है? समझ आया? अगर मैं पढ़ाऊंगा किसी स्कूल में, व्हाट इज इट? अगर मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगा, मेरी छोटी बेटी है, ठीक है, अगर मैं उसे पढ़ाऊंगा घर में, व्हाट इज दैट? समझ आया? ओके, अ वर्कर वर्क्स इन फैक्ट्री, सो अटेंडिंग ए रिलीजियस एक्टिविटी। इज्तिमा होता है, किसी जगह इज्तिमा गए हो, है ना, या किसी जगह कल्चर होता है, मतलब कि चलो किसी भी सोशल गैदरिंग है कोई, ठीक है, टूर्नामेंट है, आप टूर्नामेंट देख रहे हो, अब वो पैसा मिल रहा है कुछ, तो व्हाट इज दैट? समझ आया? नमाज पढ़ रहा नॉन, ठीक है, आपने रोजा रखा, व्हाट इज दैट? ठीक, आपने किसी बूढ़े की मदद की, समझ आया? जो पैसों के लिए करे, इकोनॉमिक, जो दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए। Is it clear? समझ आया? The first definition is definition की बात अगर हम करेंगे, the human activity which is undertaken to earn is called, समझ आया? तो उसे क्या कहते हैं? Economic activity. तो हम is called economic activity. अभी आप इतने बड़े नहीं बने कि आप acronym इस्तेमाल करें, ठीक है, आप पूरा लिखा करेंगे economic activity, ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक, टफ लगा? जो काम मैं करूं पैसों के लिए, जो काम मैं करूं सेटिस्फेक्शन के लिए, तो एग्जाम्पल क्या है? ए टीचर, ए वर्कर, अब यहां से
और अटेंडिंग ए रिलीजियस एक्टिविटी। समझ आया, समझ आया कितनी डिफरेंस होगी? दो, ठीक। ओके, नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस, मतलब ये हम क्यों करते हैं, मैं क्यों पढ़ाता हूं, पैसा कमाने के लिए, क्यों पैसा क्यों कमाता हूं, जिंदा रहने के लिए। आपको साइंस में कहा गया है ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट, माय डियर इन कॉमर्स मनी इज इंपॉर्टेंट, क्या समझ आ रहा है? पैसा है, रिश्तेदार है, तो पैसा है आपका रुतबा है, समझ आया? ठीक, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए करते हैं टू अर्न लाइवलीहुड, ताकि हम जिंदा रह सके। क्या इकोनॉमिक दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड टू अर्न लाइवलीहुड, क्या बेटा, टू अर्न, समझ आया? दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, दीज एक्टिविटीज आर टू अर्न, समझ आया? टफ लगा, लाइवली हुड, जिंदा रह सके। जिंदा किससे रहते हैं? पैसों से, पैसों से हम चीजें लाते हैं ना, पैसों से फूड लाते हैं, फूड गिव्स अस एनर्जी, समझ आया? ओके, सो दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड टू अर्न लाइवलीहुड। ओके, दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, याद रखना, आउट ऑफ लव, ये हम काम करते हैं या तो मोहब्बत में ये काम करते हैं, ठीक है, या तो सिंपैथी, कहते हैं वाह ये बूढ़ा है ना, सेंटिमेंट्स, आपको पता है जब आपको बड़े है ना, जब वो डांटते हैं आपको, आप सर नीचे रखते हो, क्यों? आप कहते हो नहीं ये बड़ा है, हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपको दोस्त डांटे आपको, आप मानोगे उसे? नहीं। तो दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव। दूसरा, पैट्रियोटिज्म, वतन की मोहब्बत के लिए। अरे यारी माय डियर, याद रखना ये चीज से, एक मां अपने बच्चे को दूध देती है, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है? ये मां का हक, मतलब मैं क्या बताऊं, नाउडेज मैं देखता हूं, तो जब से मेरी बेटी होगी तब से मुझे अपनी माँ के साथ ज्यादा प्यार हो गया, बिलीव मी, जब आप देखते हो अपनी आंखों से, मतलब कि एक लेडी मतलब कितना प्यार करती है इस बच्चे को, तो वो देती है ना दूध इसे, दैट इज आउट ऑफ लव। क्या वो पैसा मांगती है? दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज ओके सिंपैथी है ना, हमें कोई बैगर है वहां पे, ठीक है, आपने इसकी मदद की यहां से उधर, या किसी बूढ़ी की मदद की, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, या पैट्रियोटिज्म, वतन की मोहब्बत के लिए। तो ये मैं ज्यादा नहीं बता सकता, ये वतन की मोहब्बत, होप यू नो दीज थिंग्स, जो चीज आप वतन की मोहब्बत के लिए करोगे ना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर? ओके, पहला था डेफिनेशन, द एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू हैव सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड, सेकेंड वन, A teacher, a worker, यहां पे ओके अटेंडिंग है, या आप यही भी लिख सकते हो, अ टीचर टीचिंग स्कूल है, यहाँ पे आप ये और एक लिख सकते हो, a lady is a chef, chef देखे, या a lady cooks at restaurant, वहां पे पैसा कमाएगी, a lady cooks at home, नहीं समझ आया? समझ आ रहा है? एक रेस्टोरेंट में है ये शेफ, वहां पे पैसा कमाती है, अब घर में भी ये खाना पकाती है, वहां पे पैसा मिलता है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, मेजरमेंट, देखो आपने मुझे फी दिया, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं, दीज एक्टिविटीज आर मेजर्ड इन मनी, किसमें मेजर करते हैं? पैसों में करते हैं ना, नहीं समझ आया? इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इज इट क्लियर? इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दीज एक्टिविटीज आर मेजर इन टर्म्स ऑफ, समझ आया? नहीं, आपने फी दिया, पैसा है ना आपको दिया ना, व्हाट इज इट इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मी, फॉर मी व्हाट इज इट? टफ लगा बेटा, सो दीज एक्टिविटीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, ये हम मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं? पैसों में हम मेजर करते हैं। अच्छा, क्या आप पैसों में मेजर कर सकते हो मां के प्यार को?
So these activities have no measurement. Is it clear? These activities have, ये आप मेजर नहीं कर सकते. इवन आपका टीचर आपके साथ कितना प्यार करता है, ये आप मेजर नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? आपका टीचर आपका केयर कितना करता है, ये आप मेजर. इज इट क्लियर? हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी फी कितना है सर, 16 or 22, यू कैन मेजर इट. यू कैन, समझ आ रहा है? टफ लगा माय डियर? ओके, ये हम मेजर कर सकते हैं पैसों में, ये हम मेजर नहीं कर सकते पैसों में. ठीक है, ओके. कोई क्वेश्चन है यहां तक? कोई क्वेश्चन यहां तक बताइए ना. ओके, नाउ टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक, पैसा हम कमाते हैं ना, पैसा हम कमाते हैं, तो किस चीज से कमाते हैं, किस चीज से कमाते हैं, याद रखना. इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. क्या है? तो सबसे पहला या तो हम करेंगे बिजनेस. क्या करेंगे? या होंगे हम प्रोफेशन में, किसमें होंगे, या तीसरा होगा एम्प्लॉयमेंट. क्या होगा? टफ लगा? सो एम्प्लॉयमेंट जो है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा कितने तरीके का है. मैंने लिखा है फादर्स ऑक्यूपेशन, या तो आपका पापा, याद रखना, बिजनेस करता होगा, या तो किसी के यहां काम करता होगा. आप कहते हो बैंक एम्प्लॉय, क्या कहते हो, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. या तो आपका पापा डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, या CA होगा. क्या होगा? टफ लगा? तो तीन चीजों से हम पैसा कमा सकते हैं कॉमर्स में. कितने, क्या क्या? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. इज इट क्लियर? समझ आया? तीन चीजों से हम पैसा कमा सकते. नहीं समझ आया? या तो बिजनेस मैन होंगे हम, या तो एम्प्लॉय होंगे, या तो हम प्रोफेशनल्स होंगे. क्या होंगे? इज इट क्लियर? क्या होंगे? टफ लगा? ओके. अब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना, ये तो इनके तो टाइप नहीं है, लेकिन अब मैंने बनाए हैं. या तो ये सोशल होंगे, क्या होंगे, या तो रिलीजियस होंगे. इज इट क्लियर? या तो कल्चरल होंगे. क्या होंगे? समझ आया? या तो सोसाइटी में आप करते हो किसी की मदद, सोशल, निमाज. ठीक है, अब निमाज ही नहीं है, आप मंदिर भी जाते हो. ठीक है, गुरुद्वारा भी जाते हैं. ठीक है, चर्च भी हम जाते हैं. ठीक है, सो दैट एक्टिविटी इज नॉन इकोनॉमिक. इज इट क्लियर? समझ आया? सोशल, रिलीजियस और कल्चरल. क्या है बेटा? सोशल, रिलीजियस और, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने का है? बिजनेस, प्रोफेशन और, नहीं टफ लगा, क्या है ये? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? कोई क्वेश्चन? ओके, लास्ट वन. आपको क्या लगता है ज्यादा कौन सा हम इस्तेमाल करते होंगे, ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्या नहीं, नॉन इकोनॉमिक नहीं पढ़ते. अगर हम नमाज पढ़ते हैं ना, सिर्फ माह रमजान में. एक्सेप्शन, मैं ऐसे कहता हूं. ठीक है, ऐसा नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह. ठीक है, हम ज्यादातर इंसान क्या काम करता है, ज्यादातर इंसान कौन सा काम करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ आ रहा है? कौन सा काम करता है ज्यादातर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर यूज्ड, और यूज्ड मोर देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे फ्री टाइम है विंटर्स में, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, मैं विंटर्स में जाता हूँ ऑर्फन्स को पढ़ाने. क्या मैं फिर रेगुलर जाता हूँ? दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. दैट इज, समझ आ रहे हैं? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इस्तेमाल होता है ज्यादा किससे? मोर देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ आया? अब यहां से क्या लिखेंगे? नॉन, ये जो है ना, यहां से लिखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक और यूज्ड लेस देन, तो इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे पेपर इंपॉर्टेंट. क्या लिखेंगे? समझ आ रहा है? आप सिलेबस चेक करना. क्या करना? सिलेबस चेक. क्या हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे? क्या पढ़ रहे? सिलेबस के हिसाब से. तो हर साल होता है पहला क्वेश्चन. देखो, असल में होते हैं तीन क्वेश्चंस. क्या होते हैं? या तो आएगा डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी.
आएगा डिफाइन करना, नहीं यही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना, क्या है ये, या तो आएगा डिफाइन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या आएगा, या आएगा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। तो वो काम जो हम पैसों के लिए करें उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो काम जो हम करते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उसे कहते हैं, इज इट क्लियर? द सेकेंड वन इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ए टीचर टीच इन स्कूल, समझ आ रहा है, वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, समझ आ रहा है, और कोई भी एग्जाम्पल दे दो, और शॉपकीपर भेजता है ना गुड्स, है ना, आपने देखो ना वो इंस्टाग्राम पे होते हैं आज, और लेडी हार्ट होता है ना, वो होता है ना, वो है ना, अब लेडी हार्ट इसके अलावा भी है बाकी चीजें, है ना, होते हैं ना, आपने देखा है, हेलो असलम, कोई रेड गवर्नमेंट गवर्नमेंट है ना, देखा है, वो भी क्या करते हैं, कोई कपड़े भेजता है, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, होता है कि नहीं, कि टफ लगा, समझ आ रहा है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, स्कूल में जब पढ़ाया जाएगा आपको आएगा बोलना? मेक श्योर आप तब बोलेंगे जब कोई नहीं बोलेगा, जब सब बोलेंगे ना आप नहीं बोलेंगे, समझ आ रहा है? देखो ये तो उसे भी पता होगा, इसे भी पता होगा, आपको तब बोलना है जब किसी को नहीं पता, वरना आप आम के साथ रह जाओगे, ठीक है? डोंट बी कॉमन, बी डिफरेंट इन योर क्लास, ठीक? ओके, दिस वॉज योर फर्स्ट लेक्चर अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब मुझे बताओ, ये जो ये पढ़ा ना अपने बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, इसमें मैं आज एक कंप्लीट कर दूंगा, इसमें मैं आज एक कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? आप थोड़ा बहुत रिवाइज करें, एक दो मिनट के बाद मैं पढ़ाता हूँ फिर से, ठीक? ये है ना, अब क्या पढ़ना है हमें, एम्प्लॉयमेंट, क्या पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट से मैं एक एम्प्लॉयमेंट से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, एक चीज पढ़ाऊंगा, दैट्स कॉल्ड ऑक्यूपेशन। क्या बेटा? ओके, मैं बहुत सारे बिजनेस करता हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेस करता हूँ। सबसे पहला मैं एक टीचर हूँ, हूँ ना, दूसरा मैं रियल एस्टेट के साथ करता हूँ, और तीसरा मैं ड्रीम इलेवन भी खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ? चलो छोड़ दो ये रियल एस्टेट छोड़ दो। क्या बेटा बताओ, बताए, मैं क्या हूँ? टीचर। दूसरा क्या है? Is it clear? अब ड्रीम इलेवन में मैंने जीता 1 करोड़, क्या जीता मैंने? So what is it? जिसमें मैं पैसा कमाऊं वो क्या है? So this is economic activity. Are you getting my idea? Okay, teaching क्या है मेरी? अगर आपको कोई कहेगा, इसे जानते हो, मैं वहां पे हूँ रेस्टोरेंट में, कॉफी हाथ में, कॉफी गॉग्स, ठीक है? अब कोई कहेगा ये क्या करता है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये ड्रीम इलेवन खेलता है, कि आप कहोगे ये टीचर है? क्यों? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं कंटिन्यूअसली करूं वो मेरा बनता है ऑक्यूपेशन। क्या बनता है? ड्रीम इलेवन तो मैं कभी कभी खेलता हूँ, समझ आ रहा है? वहां पे मैंने टूर्नामेंट निकाला, टूर्नामेंट में मैंने पैसे कमाए, टूर्नामेंट निकाला, टूर्नामेंट में मैंने, अच्छा या आपने देखा ना, आप फोन लाते हो, फोन बेचते हो, आप पैसा कमाया आपने, दैट इज इकोनॉमिक। आपको फोन वाला कहते हैं कि आपको स्टूडेंट कहते हैं? क्यों? स्टूडेंट आपका कंटिन्यूअस काम है, समझ आ रहा है? सो व्हाट इज ऑक्यूपेशन? जब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कंटिन्यूअसली करो तो वो आपका बनता है ऑक्यूपेशन। क्या? When a person is regularly engaged. Regularly engaged with the same economic activity, it becomes his or her occupation. ये याद रखना, क्या? और यही occupation 3 तरह का है, जिसे आप कहते हैं business, profession. Is it clear? टफ लगा? नहीं। जब एक इंसान कंटिन्यूअसली काम करता है, कंटिन्यूअसली कौन सा काम? इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो उसका क्या बनता है? ऑक्यूपेशन, ठीक है? तो आपको लिखा होगा आपके फॉर्म पे, अगर आप फॉर्म चेक करेंगे, फादर्स ऑक्यूपेशन, क्या लिखा है?
तो इन तीनों में से होता है कोई ना कोई, या तो बिजनेसमैन, समझ आ रहा है, या तो प्रोफेशन, या तो एम्प्लॉयमेंट। नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? सर ऑक्यूपेशन भी तीन तरह का है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑक्यूपेशन भी है ना, वही ऑक्यूपेशन भी तो है ना वही, इज इट क्लियर? अब असल में ये टर्म होती है, तो मैंने सोचा कि अगर आपको एक मार्क्स वाला ऑक्यूपेशन आए, एक मार्क्स वाला ऑक्यूपेशन आए, तो आप क्या लिख सकते हो? When a person is regularly engaged with the, it becomes his or her. मैं एक मार्क्स पे ज्यादा स्ट्रेस देता हूं क्योंकि वही एक मार्क्स हमें पोजिशन लाते हैं कॉमर्स में, समझ आ रहा है? जहां पे आप बैठे हो, जहां पे आप बैठे हो, मतलब 18 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, इन ही जगह से वो टॉपर्स निकले हैं। ठीक, अब मैं यहां पे नहीं पढ़ाता था, मैं इस बोर्ड पे पढ़ाता था, अब उस वक्त था ये प्रोजेक्टर, समझ आया? अब इसे रिप्लेस किसने किया? पैनल ने, ठीक है, लेकिन जगह वही है, जगह वही है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज एम्प्लॉयमेंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक बेटा, अब मुझे बताइए, अब बताइए एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है एक इंसान काम करता है दूसरे के लिए, क्या करता है काम? सो मेरे पास नीचे है ना टीचर्स, है ना, वो करते हैं ना काम यहाँ पे, तो दिस व्हाट यू कॉल एम्प्लॉयमेंट, दिस व्हाट यू कॉल्ड, टफ लगा। किसी से मैं कहता हूँ आपका पापा क्या करता है? सर वो बैंक एम्प्लॉई है, इट मीन्स वो बैंक में काम करता है। वो बैंक में क्या वो अपने लिए काम करता है? वो किसके लिए काम करता है? वो करता है किसके लिए काम करता है? टफ मत लगा। सो अगर मुझे कोई कहेगा एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट चैरिटी है? एम्प्लॉयमेंट क्यों करते हो आप? पैसा कमाने के लिए, किस किसके लिए? तो एम्प्लॉयमेंट इज अ, इन विच एम्प्लॉयमेंट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, वर्क फॉर अदर्स एंड गेट, और उन्हें क्या मिलता है? एंड गेट रेम्यूनरेशन, एंड गेट रेम्यूनरेशन। टफ लगा। एम्प्लॉयमेंट इज अ, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? एम्प्लॉयमेंट इज अ, सो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? हाँ, द एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न। तो अगर आपका पापा बैंक में काम करता है, मुफ्त मत ना करता है बेचारा, वो क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए, दैट इज जो काम आप करोगे पैसा कमाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? समझ रहा? कोई क्वेश्चन यहां तक? कोई क्वेश्चन? सो एम्प्लॉयमेंट इज अ, इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन, एंड गेट, टफ लगा बेटा, टफ लगा। रेम्यूनरेशन, सर व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन का मतलब है रिटर्न ऑफ वर्क। क्या बेटा? अगर आप काम करते हो ना, अगर आप काम करते हो, काम के बजाय आपको क्या मिलता है? पैसा। दैट्स व्हाट यू कॉल द रेम्यूनरेशन, रिटर्न ऑफ। मैं पढ़ाता हूं ना, मुझे क्या मिलता है? फी। मुझे क्या मिलता है? फी। बिजनेसमैन काम करता है, उसे मिलता है प्रॉफिट, समझ आ रहा है? अब एम्प्लॉई काम करता है, या तो उसे सैलरी मिलेगा या तो उसे वेजेस मिलेगा। वो टर्म्स आपको पढ़नी है, मैं पढ़ाता हूं। टफ लगा? नहीं। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयमेंट इज एन इन विच एंड गेट, टफ लगा? नहीं, सच बताए। उन्हें क्या मिलता है? यहां पे एक इंसान काम करता है किसके लिए? दूसरे के लिए। और क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन। क्या मिलता है? अब मुझे बताओ, सो व्हाट इज रेम्यूनरेशन? सो इट मे बी ऑफ, इट मे बी, या तो होगा ये सैलरी, क्या होगा, या तो होगा वेजेस, क्या होगा? इज इट क्लियर? टफ लगा। जो आपको मंथली मिले उसे क्या कहते हैं? जो आपको डेली मिले, क्या मिले? डेली, उसे क्या कहते हैं? नहीं, समझ आया कि नहीं? सच बताइए ना प्लीज, सच, समझ आया? जो आपको मंथली मिले उसे क्या कहते हैं? जो आपको डेली मिले उसे क्या कहते हैं? लेकिन ऐसे हम याद नहीं रखेंगे, ऐसे हम याद नहीं रखेंगे। पहले ये सैलरी और वेजेस अभी पढ़ाऊंगा, पहले एम्प्लॉयमेंट समझाया। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट इज एन इन विच पीपल वर्क फॉर एंड गेट
What is remuneration? Return of work is called remuneration. So it may be of two types. First one, second one. Is it clear? Okay, yaad rakhna. Jo insaan kaam karta hai, a person taking up a job is called employee. Kya beta? EMPLOYEE, employee. क्या कहते हैं उसे? A person taking up is called, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? Is it clear? Employee क्या कहते हैं? और जो इंसान जॉब देता है उसे कहते हैं employer. And the person क्या मैंने कहा? And the person who provide the job is called गोबर. उसे क्या हम कहते हैं? उसे हम कहते हैं employer. टफ लगा? इज इट क्लियर? सोर्स एम्प्लॉय. ए पर्सन टेकिंग अप ए जॉब इज कॉल्ड एंड द पर्सन हु प्रोवाइड्स द जॉब इज कॉल्ड. ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ, यप, इसके बाद यहां पे कुछ नहीं है. ओके, बच गए. उजैर सर, ठीक, यहां पे लिखूंगा मैं. उजैर सर के अंडर इंग्लिश सर काम करता है, उर्दू सर काम करता है, मैथ, ठीक है. लेट इट बी, इनका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी. ओके, सो इन्हें जॉब किसने दिया? तो उजैर सर क्या है और ये क्या है? समझ आया? इज इट क्लियर? आप कहते हो ना, मेरा पापा बैंक में है काम. कहां पे काम करता है? बैंक में. आपका पापा, और उसे जॉब किसने दिया? बैंक ने. किसने जॉब दिया? पापा क्या है आपका? एम्प्लॉई. और बैंक क्या है? एम्प्लॉयर. इज इट क्लियर? टफ लगा? समझ आया? अब वो समझ आया. ठीक है, जो जॉब करता है उसे क्या कहते हैं? एम्प्लॉई. जो जॉब देता है, समझ आया? ओके, नब यहां तक. हाँ, ए पर्सन टेकिंग अप ए जॉब इज कॉल्ड एंड द पर्सन हु प्रोवाइड्स द जॉब इज कॉल्ड. इज इट क्लियर? यहां तक ठीक. कोई क्वेश्चन? ओके, तो मैंने कहा था ना, रेम्यूनरेशन कितने टाइप्स का है? पहला क्या है, दूसरा क्या है? ओके, इन्हें हमें पैसा देना है ना, तो याद रखना, अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन टू white collar employee. ये याद रखना बेटा, the amount of money which is given to is called salary. क्या बेटा? वो पैसा जो हम देते हैं white collar employee को, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं salary. पैसे की बात कर रहे हैं ना हम. the amount of money which is given to white collar employee. काम वो इंसान होता है जो काम करता है ऑफिस में. कहां पे? नहीं, कहां पे? टफ लगा. टर्म आई ना, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉई. क्या आई टर्म? इट्स अप टू यू, आप याद कितना रखोगे. समझ आया? ठीक है, अगर आपको लगेगा ये बैच टफ है, आप शिफ्ट हो जाना सेकंड बैच में. अगर वो भी लगे टफ, आप शिफ्ट हो जाना थर्ड बैच में. फर्स्ट बैच यहां पे डिटेल पढ़ाया जाता है. क्या पढ़ाया जाता है? बहुत डिटेल. इज इट क्लियर? क्योंकि आप हमारे चलते फिरते एडवर्टीजमेंट. ये 20 है ना यहाँ पे, आप ही 20 में ऐसे लिख के लेना, दो साल के बाद पोजिशन होंगे. मैं कह रहा हूं सर, आपका गुरु रियासतक फिर नहीं, पिछले 18 सालों का एक्सपीरियंस है. जो पहले दिन ही आते हैं, और बिलीव मी, एक बच्चे को थे 10th में 242, कितने? 242 ही गॉट पोजीशन इन 12th. 242 से देखो, 242 क्या हो गया? 50%, उससे भी कम. ही, सर आप बोलते हो नहीं, ही गॉट पोजीशन राइट नाउ, ही इज मैनेजर.
ठीक है ओके। सो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय कौन होता है? व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय, व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय और दोज एम्प्लॉयज हु वर्क इन ऑफिस। हु वर्क इन कहां पे बेटा? अब मैं ऑफिस भी पढ़ा था लेकिन आप फिर मुझे आप मारोगे। ऑफिस अ प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड। गुड्स क्या होता है? और दोस्त ने पूछा परचेज फॉर ई सेल, व्हाट इज सेल? द टर्म सेल इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स ओनली। ठीक, आगे जाके अभी टाइम है, यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स रिटर्न ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन। मे बी इज ऑफ टू टाइप्स, पहला क्या है दूसरा क्या है? व्हाट इज सैलरी? द अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन टू। व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय कौन होता है? जो काम करता है। समझ आ रहा है? अब वेजेस, वेजेस बेटा क्या? बेटा वेजेस हम किने देते हैं? वेजेस हम किने देते हैं? यही डेफिनेशन बेटा, क्या यही डेफिनेशन, यही डेफिनेशन। मगर व्हाइट की जगह क्या लिखना है? ब्लू कॉलर। क्या लिखना है? समझ आया? दे अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन टू ब्लू, ब्लू कॉलर एम्प्लॉय इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वेज। क्या कहते हैं? भूलना नहीं माई डियर, भूलना नहीं बेटा। इज इट क्लियर? ठीक पढ़ाया? आपको पता होना चाहिए बेटा। इज कॉल्ड, चलो अंग्रेजी में मत बताओ, उर्दू में बता देना मुझे, वेजेस क्या होता है? वेजेस वो पैसा जो हम किसे देते हैं। ब्लू कॉलर एम्प्लॉय कौन होता है? ये काम करेगा ऑफिस में कि फैक्ट्री में? फैक्ट्री में। समझ आ रहा है? सो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय और those who work in याद रखना फैक्ट्री में गुड्स को बनाते हैं, प्रोड्यूस क्या? ऑफिस में गुड्स को सोल्ड करते हैं, अगर ज्यादातर याद रखना होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? द टर्म वॉज एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेशन इतनी थी, वो कितना बड़ा बन गया है, बड़ा बन गया ना। So employment is an economic activity in which people work for others and get remuneration. Simple, huh? A person taking up a job is called? And the person who provides the job is called? Tough laga. Tough laga. Phir se samajhiye. Phir se samajhiye. Employment ek aisi economic activity hai. Employment ek aisi, jisme ek insaan kaam karta hai, dusre insaan ke liye. Aur usse kya milta hai? Remuneration. Kya milta hai? What is remuneration? So return of? वर्क। सो ये रिटर्न ऑफ वर्क दो तरह का है, पहला, दूसरा व्हाट इज सैलरी? द अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन टू, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन टू ब्लू कॉलर एम्प्लॉय इज कॉल्ड वेज। यहां तक ठीक है? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पांच हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट। दो टॉपिक्स आपके हो गए कवर पहले दिन। ये ना कहना कि सर ने पहला दिन जाया किया, मैं दिन कोई जाया नहीं करता। समझ आ रहा है? अलबत्ता अब जो आया था ना देखने, उसके लिए तो जाया हो गया। ठीक, हाँ, जो पढ़ने आया है उसके लिए जाया एक हफ्ते में, मैं आपसे कह रहा हूँ मिनिमम 10 दिन लगेंगे इस यूनिट वन को, जिसे डेमो में देते हैं 30 डेज। कितने? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट समझ आया? एम्प्लॉयमेंट समझ आया? नहीं, क्वेश्चन है कोई? अच्छा बताइए एम्प्लॉयमेंट क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक, तो मैंने क्या लिखा? एम्प्लॉयमेंट इज एन, क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी जरा मुझे बताओ। जरा बेटा आपने लिखा एम्प्लॉयमेंट इज एन, क्यों? एज इट इज डन फॉर मनी या एज इट इज अंडरटेकन फॉर मनी? क्या लिखे? डन फॉर मनी की अंडरटेकन फॉर मनी? एज इट इज अंडरटेकन फॉर मनी। टफ लगा? नहीं समझ आया?
सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? एम्प्लॉयमेंट क्या है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। टफ लगा? नहीं, समझ आया ये। सो एम्प्लॉयमेंट चैरिटी नहीं है। एक मुलाजिम काम करता है किस लिए? पैसा कमाने के लिए। जो काम आप पैसा कमाने के लिए करोगे, व्हाट यू कॉल दैट? इकोनॉमिक एक्ट। इज इट क्लियर? सच बताए, समझ आया? कोई क्वेश्चन? इजी है ना। ओके, नेक्स्ट वन। यहां पे कौन कौन होता है? एम्प्लॉयर और जरा बताओ, जो इंसान काम करे, ए पर्सन टेकिंग अप ए जॉब, ए पर्सन टेकिंग अप ए, तो उसे क्या हम कहते हैं? नहीं, समझ नहीं आया शायद। ए पर्सन टेकिंग अप ए इज कॉल्ड, और बात कीजिए ना मेरे साथ, ए पर्सन टेकिंग अप ए जॉब इज कॉल्ड, एंड द पर्सन हु प्रोवाइड्स द जॉब उसे क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर। इज इट क्लियर बेटा? दो पॉइंट्स हो गए, समझ आया। ए पर्सन, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है, यूनिट वन में सबसे ज्यादा मार्क्स है, आपको एम्प्लॉयमेंट पता होनी चाहिए। ठीक, समझ आ रहा है बेटा? जरा एक कॉपी देना बेटा, इधर एक कॉपी देना, इधर एक कॉपी देना, इधर। अब एक छोटी सी कॉपी इतनी ही लाएंगे, अकाउंट्स के लिए नहीं, अकाउंट्स के लिए बहुत बड़ी लानी होती है। ये जो ना छोटी कॉपी, इस पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे आप। क्या लिखोगे आप? मैं कहूंगा आपको पूरे साल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, क्योंकि दो साल के बाद अगर आप में से किसी ने ऑप्ट किया सीए, तो ये इंपॉर्टेंट है वहां पे। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट वन? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हाट डज इट मीन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ये हम काम करते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। व्हाट इज द सेकंड वन? रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड, टफ लगा। एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन होता है? एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है। ठीक है, ए पर्सन टेकिंग अप ए जॉब इज कॉल्ड एम्प्लॉई, एंड द पर्सन हु प्रोवाइड्स द जॉब इज कॉल्ड, यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट, रिटर्न। बेटा मुझे बताओ, इसे क्या मिलता है? एम्प्लॉय को क्या मिलता है? मनी। किस फॉर्म में? या तो मिलेगा इसे सैलरी, या तो मिलेगा इसे, नहीं समझ आया। द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉईज, द गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क। टफ लगा? नहीं पढ़ाया? अगर आपको कोई बताएगा अब, व्हाट इज सैलरी? द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज गिवन टू व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय और दोज एम्प्लॉय हु वर्क इन फैक्ट्री। शाबाश, वर्क इन, गलती हुई थी ना मुझे, टीचर ऐसे बोलते हैं, है ना? व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय वो होते हैं जो कहां पे काम करते हैं? ऑफिस में। वेरी गुड, इज इट क्लियर? समझ आया? 1, 2, 3, अब तीन है, हो गया आपका लेक्चर डन। ठीक है, रिटर्न, इसे क्या मिलता है? या तो सैलरी मिलेगी, या तो वेज मिलेगा। ओके, देयर कम्स अ टर्म, देयर इज अ टर्म दैट्स कॉल्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? ये जो कैपिटल है ना, पहले बताऊंगा आपको, कैश, गुड्स और एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इनटू बिजनेस is known as capital. वो पैसा या वो चीजें जो एक मालिक डालता है बिजनेस में काम करने के लिए, उसे कहते हैं कैपिटल। जिस पैसे से हम बिजनेस करते हैं उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? बोलना नहीं माय डियर। सो व्हाट इज कैपिटल? कैश, गुड्स और एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इनटू द फॉर डूइंग इज नोन एज, वो पैसा या वो चीज है। लेट इट बी, मैंने डाले 5 लाख रुपए बिजनेस में, कितने डाले? व्हाट इज इट? कैपिटल। अच्छा, मैंने लैपटॉप डाले 2 लाख के, कितने के? व्हाट इज इट? कैपिटल। जिस पैसे से या जिन चीजों से मैं बिजनेस कर सकूं उन्हें क्या कहते हैं? जो पैसा मालिक डालता है बिजनेस में उसे क्या कहते हैं? देखो, मैंने बिजनेस बनाया,
ठीक है, मैंने पैसा डाला यहाँ पे, तो ये लाया ना मैंने, ये लाइट है ना, लाई ना मैंने, ये बनाया, कैमरा लाया, समझ आ रहा है? बिजनेस बनाने के लिए तो जो पैसा हमें चाहिए, व्हाट यू कॉल दैट, कैपिटल, क्या कहते हैं? अभी आज दिन के लिए आप इतना ही याद रखेंगे, व्हाट इज कैपिटल? कैश, गुड्स आर एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस फॉर डूइंग इज नोन एज, इज इट क्लियर? सच बताइए, जिस पैसे से मैं बिजनेस कर सकूं उसे क्या कहते हैं? ओके, अब मुझे बताओ कहां गया ये? ओके, क्या मैं लगा बैंक में जॉब के लिए, क्या मुझे इस बिजनेस को बिजनेस में डालने के लिए पैसा चाहिए? समझ नहीं आया, मैं गया किसी भी जगह, मुझे जॉब लगा, क्या मुझे पैसा चाहिए उसके लिए? वही तो मुझे वहां से ही मिलेगा, मुझे पैसा इन्वेस्ट। सो एन एम्प्लॉई इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टू मेक, इज इट क्लियर? टफ लगा? देखो मैं जॉब करता हूं बैंक में, क्या करता हूं जॉब, क्या मुझे वहां पे पैसा देना है यहीं से उन्हें? हाँ, अलबत्ता मैंने वहां पे बिजनेस डाला, इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए ना, दैट इज बिजनेस, मगर ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉई को कोई कैपिटल नहीं चाहिए, एम्प्लॉई, एन एम्प्लॉई इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक, ओके, व्हाट इज योर नेम? समझ आ रहा है? कहां थे? थक गए? बस दो मिनट हाँ, तो टेंथ में आपने नहीं पढ़ा है तीन तीन घंटे, दो दो घंटे पढ़ा है ना, तो अभी तो 50 मिनट्स हो गए, बोर हो गए मेरे साथ? क्या यार, मेरे साथ बोर हो गए? एन एम्प्लॉय इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक, एक एम्प्लॉय क्या होता है, उसे कैपिटल नहीं डालना होता है, उसे कैपिटल नहीं, ये समझना है ना, क्या उसे कैपिटल डालना है? चलो बेटा, कल को मैंने आपको जॉब पे रखा, आपको कोई पैसे देना है मुझे? जब नहीं देना है, सो कोई भी कैपिटल जरूरी नहीं है, समझ आया? समझ आया? ओके, नाउ क्वालिफिकेशन, याद रखे बेटा, क्वालिफिकेशन से मुझे याद आया कि अगर मुझे नीचे रखना है कैशर, क्या रखना है? तो मैंने कहा कि भाई टेंथ पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बैंक में उन्होंने कहा बीकॉम होना चाहिए, ग्रेजुएट। हर एक जॉब का अपना अपना स्टैंडर्ड है, नहीं समझ आया? देखो मुझे नीचे कैशर रखना है, मैंने क्या रखा? टेंथ पास। अच्छा, गेट कीपर रखना है, जरूरी नहीं वो टेंथ पास हो, मैंने उसे कहा एट्थ पास मिनिमम क्वालिफिकेशन। समझ आया? टफ लगा? तो हर एक जॉब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफाइड नहीं है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, इज इट क्लियर? तो मैंने कहा ये जो क्वालिफिकेशन है, द एम्प्लॉई मस्ट पोजेस, ये एक टर्म याद रखना, स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन। क्या बेटा? स्टैंडर्ड मतलब हमने पहले ही कहा है, स्टैंडर्ड का मतलब कैशर को क्या होनी चाहिए, तो दिस इज द स्टैंडर्ड। अगर बैंक में लगना है आपको क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट। दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द, टफ लगा। हर एक जॉब का अपना, जैसे मैंने कहा यहाँ पे, अगर किसी को यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना है, ही मस्ट बी मास्टर्स इन इंग्लिश। समझ आ रहा है? तो दैट इज द स्टैंडर्ड, दैट इज द एम्प्लॉई मस्ट पोजेस स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन रिलेटेड द स्पेसिफिक जॉब, किसी खास जॉब से। नहीं समझ आया? हर एक जॉब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। समझ आया? मुझे पायलट बनना है, उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है ना। और समझ आ रहा है? मुझे बैंक मैनेजर बनना है, उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है ना। दैट क्वालिफिकेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन। क्या कहते हैं आप उसे? टफ लगा? द लास्ट वन इज टर्म्स एंड, जरा मुझे बताओ इन टीचर्स को कौन टर्म्स बताता है? जो नीचे है ना टीचर्स, इन्हें कौन बताता है क्या करना है कैसे करना है? एम्प्लॉयर। कौन? समझ आ रहा है? तो याद रखना, द एम्प्लॉई विल हैव टू फॉलो द सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द, यहां तक समझ आया? सो आई होप कि आपको ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, पहले पॉइंट्स कौन बताता है? मालिक की मुलाजिम, मालिक को कहते हैं एम्प्लॉयर। क्या कहते हैं? समझ आ रहे हैं? सो
आई होप क्या आपने समझ आया जो आज हमने पढ़ा, जो आज हमने पढ़ा, ठीक है। नाउ आवर टॉपिक इज ओवर, आवर टॉपिक इज ओवर। आई विल चेक योर नॉलेज, आपने समझा कितना है, आपने, मैं नहीं पूछूंगा आपसे, डरना नहीं, पहला ही दिन है, क्या पूछूंगा आपसे, सर पहले ही दिन आप उठाएंगे, कल से यहाँ पे इस दरवाजे कोई नहीं आएगा, याद रखना। तो ये था करेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो आपने पढ़ा आप उसके आंसर्स बताएंगे मुझे, जो आपने पढ़ा आप उसके आंसर्स बताएंगे मुझे। जरा ये चेक कीजिए, ये मुझे बताइए बेटा, पहला पहला क्वेश्चन, ठीक। ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरह के हैं? पहला, सो पहला है इकोनॉमिक, और दूसरा क्या है? तो समझ आया, याद करने की जरूरत नहीं है। ये एक मार्क्स वाले आते हैं, ये हमारी एक्सपर्टाइजेशन है। क्या है मतलब कि आधा घंटा हो गया ना, एक मिनट, ये I'm sorry। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। ए डॉक्टर अटेंडिंग टू हिज सन एट हाउस, ठीक है। डॉक्टर कहां पे, अपने घर में, व्हाट इज इट, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? ओके, ठीक। ए लेडी कुकिंग एट अ रेस्टोरेंट, इज इट इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? अगर ये घर में करती, ये कहां पे कमाती है? इज इट क्लियर? द लास्ट वन इज द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज। यहां तक आपने पढ़ाना, सो दीज आर योर 7 क्वेश्चंस। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। यस अवेलेबल बाय इंग्लिश, कौन सा? ये लेक्चर आपके पास अवेलेबल होगा, जब आपको रिवाइज करना है तब आप कर सकते हैं, ठीक। बाय बाय, टिल शुबाई।